किया आपने? मुझे तो कुछ नहीं। मजा आया? बहुत। दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बाउंसिंग कासल, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आया है। Open air. I think this is the first of its kind. And obviously, Guinness Book of World Records may be so. I guess a salute to Pakistan. Well done. I literally felt like I was working out while having fun. So, मुझे बहुत मजा आया. Physical activity जो आप अपने family, friends, neighbors, बच्चे, कच्चे सब के साथ enjoy कर सकते हैं. हमारे अलग अलग तरीके के सेशंस हैं, लेडीज ओनली, फैमिलीज ओनली एंड एडल्ट्स ओनली। अभी जरूर आए एक दफा, तो अपने बच्चों को या फिर आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ भी आ सकते हैं। इधर वे यूल एंजॉय इट एंड आई थिंक इट्स अ रियली फन एक्टिविटी। वेबसाइट में ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि आप जितने टिकट ज्यादा खरीदते जाएंगे आपको पर हेड कॉस्ट कम पड़ती जाएगी। सॉफ्टवेयर एरियाज बहुत कम हैं पाकिस्तान में, हैं मगर बहुत छोटे साइज में। दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बाउंसिंग कासल, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आया है, विच फॉर मी इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आई हैव डन। आपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना पूरी दुनिया में ऐसे कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। एंड करने का मकसद भी ये था कि अगर किसी चीज़ को करें तो उसको बेहतरीन तरीके से करें, वरना उसको ना करें। तो मेरा यही था शुरू से आइडिया कि अगर एक प्ले एरिया बने तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बन चुका है। यहाँ पे एक्चुअली एक एक्सपीरियंस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पूरी फैमिली, अम्मी अब्बू बच्चे जितने भी हैं फैमिली मेम्बर्स, वो सब एक साथ एंजॉय कर सकें। इसलिए हमने फूड कोर्ट भी दिया है जिसमें फैमिली आके बैठ सकती है, खाना खा सकती है। और हमारा पूरा थीम भी एक इस तरीके से ऐसे, और साइज़ भी ऐसा है कि उसमें बड़े एडल्ट भी जा सकते हैं। साइज ऐसा है कि जब बड़ा जाता है तो वो भी बच्चा लगता है, साइज इतना बड़ा है इसका। एक अच्छी एक्टिविटी, एक मजे की एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी जो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, बच्चे, कच्चे सब के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा जरूरी है कि लोग आए, एंजॉय करें और अपनी फिटनेस का एक अंदाजा भी लगाएं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा एक सेकंड में कि आपकी एक्चुअल फिटनेस लेवल्स के क्या हालात हैं। फिटनेस का रुझान जो है वो अगर मजे के साथ किया जाए ना, द मिनट यू ऐड द एलिमेंट ऑफ फन टू एनीथिंग, उसमें ऑटोमेटिकली मजा आता है। बाउंसी कासल्स या जंपिंग कासल्स एक ऐसी चीज है जो हर बर्थडे का हिस्सा होते ही है, तो बच्चों को इसमें मोटिवेट करने की जरूरत है। इनफैक्ट बड़ों को भी मोटिवेशन की जरूरत है। इसमें इतना नजर आया कि हर उम्र के जो है पेरेंट्स, कुछ कहते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स भी मुझे नजर आया अंदर। बहुत अच्छा रहा, इट वाज वेरी फन एंड आई लिटरली फेल्ट लाइक आई वाज वर्किंग आउट व्हाइल हैविंग फन, तो मुझे बहुत मजा आया। इट वाज वेरी नाइस, ऑनेस्टली फैंटास्टिक। मतलब एक तो मजे के साथ साथ एक हल्का सा वर्कआउट भी जिसने आपने कहा, और मैं अपने आप को अच्छा खासा फिट समझती हूँ, बट मेरी भी अच्छी खासी जो है ना सांस फूली है। मजे की बात है कि डिफरेंट लेवल की इंटेंसिटीज हैं, बच्चों के लिए भी है, फिर लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। एक ऑब्स्टिकल कोर्स भी बना हुआ है, स्लाइड भी एक बहुत लंबी है, और उसके साथ साथ जो नहीं कर पा रहे उनके लिए बाउंसी कासल के सोफे और लाउंजर्स भी बने हुए हैं। सो इन द ओपन एयर आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ऑब्वियसली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। सो आई गेस अ सैल्यूट टू पाकिस्तान, वेल डन। तो आजकल जो एक स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे फ़ोनों में लगे रहते हैं, उनको अम्मी अबू कोको मेलन लगा के या कुछ भी ऐसे लगा के दे देते हैं उनको चुप कराने के लिए। उसका एक अल्टरनेटिव जो बहुत ही एक बेनिफिशियल है, फिजिकल भी और मेंटली भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, कि वो आके यहाँ पे फिजिकली बहुत इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या, सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आया? ओह दैट्स द स्लाइड ओवर हियर, इट वाज अमेजिंग, इट वाज सो बिग, डर भी लग रहा था थोड़ा सा, बट इट वाज फन। अच्छा मैंने ये मेज किया था, ये जो ऑब्स्टिकल था, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। स्लाइड तो खैर एड्रेनलिन रश के लिए, वो भी बड़े मजे का था। और मुझे जनरली अंदर एक बैठने की भी जगह थी, बच्चे बच्चे आ करते, बंदा रेड भी सकता, तो थोड़ी देर में वहाँ बैठ भी गई थी, सांस फूल गया था, लेकिन मज़ा बहुत आया। एंड सारी एक्टिविटी इंजॉय करें, आराम से आए, पूरी जगह देखें, तो फिर मज़ा आए।
टिकट्स जो है वो आप लोग हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। हमारा हर सेशन दिन में हमारे 4 सेशन हैं, 2-2 घंटे के हैं, और क्योंकि लिमिटेड लोगों के सेशन की क्वांटिटी रखी है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रश नहीं लगाना चाहते हम, तो उसमें ये है कि हो सकता है सोल्ड आउट हो जाए, तो आप वेबसाइट पर ऑनलाइन बाय कर लें, अगर नहीं तो वॉकइंस भी आके टिकट बाय कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाके आप हमारे अलग अलग तरीके के सेशंस हैं, लेडीज़ ओनली, फैमिलीज ओनली एंड अडल्ट्स ओनली। लेडीज़ में ये है कि वो ख़वातीन जो मर्दों के साथ नहीं कम्फर्टेबल जम करने में, वो अपने 10 साल तक के बच्चे तक वो ला सकती हैं लेडीज़ ओनली में। फैमिलीज़ में है कि पूरी फैमिली साथ आ सकती है, अम्मी अब्बू बच्चे, और अडल्ट्स में बच्चे नहीं है सिर्फ बड़े, तो हर तरीके के ग्रुप को कैटर करने की कोशिश की है। पर हेड जो प्राइस है टिकट की वो 2500 रुपये, एंड उसमें हमने वेबसाइट में ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि आप जितने टिकट ज़्यादा खरीदते जाएंगे आपको पर हेड कॉस्ट कम पड़ती जाएगी। तो ये है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, @thejumbojump के नाम से है, उस पर जाके हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमने बहुत अच्छा एक नीयत से ये हमने चीज़ खोली है, उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। यहाँ पे ज़रूर आए एक दफ़ा, तो अपने बच्चों को या फिर आप अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ भी आ सकते हैं। इधर वे यूल एंजॉय इट एंड आई थिंक इट्स अ रियली फन एक्टिविटी। आई थिंक मज़े के साथ इस किस्म की एक्टिविटी अगर ज्वाइन कर दें, सो आई थिंक अच्छा खासा क्राउड जो है बहुत जल्द जो है जम्बो जंप आएगा।